इकडे सरकार इथे कुठे घुसायला अरे तुम तुमच्या गाठ तुम काय करणार क्या बीच में करना भैया है तांत्रिक करना फिर फोन ठीक करूंगा हाँ बट रेलवे ये थोड़ा ना कहती कि आप भी क्या कहानी है। सो हे गाइस गुड मॉर्निंग, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हजूर साहेब नांदेड़ रेलवे स्टेशन से। जी हाँ, आज हम हजूर साहेब नांदेड़ से पंजाब की तरफ यात्रा करने वाले हैं। बात कर रहा हूँ मैं सचखंड एक्सप्रेस से, जो कि हजूर साहेब नांदेड़ और अमृतसर के बीच में चलती है। तो चलिए भाई इसके अंदर चलते हैं। बाकी मैं आपको बता दूं, अगर आप हजूर साहेब नांदेड़ आते हो तो यहाँ पे मतलब जो गुरुद्वारा है हजूर साहेब नांदेड़, उसमें विजिट करना ना भूलिए। मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई है, ये देख लो। और हाँ, इसी के साथ में एक और गुरुद्वारा है जो है लंगर साहेब, ये भी बहुत बड़ा मतलब गुरुद्वारा है जो कि गोदावरी नदी के किनारे पर है। तो चलिए बाकी खैर छोड़िए, ये तो ट्रैवलिंग रिलेटेड हो गया, अभी ट्रेन जर्नी को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, ये लगी है हमारी ट्रेन नंबर 12715 सचखंड एक्सप्रेस, जो कि हर दिन सुबह 11:30 पे हजूर साहिब नांदेड़ से रवाना होती है। तकरीबन 2125 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद दूसरे दिन रात को 8:35 पे आपको अमृतसर यानी कि दरबार साहिब पहुंचाती है। बाकी इस जर्नी को कंप्लीट करने में ये ट्रेन 35 घंटे और 5 मिनट लेने वाली है, जिसमें हम 36 स्टॉपेज को कवर करने वाले हैं। दोस्तों ये लगा हमारी ट्रेन के साथ, सो गाइस ये लगा हमारी ट्रेन के साथ WAG-3A का लोकोमोटिव। ये एक डीजल लोकोमोटिव है जो कि इसको मनवाड़ जंक्शन तक पुल करेगा, क्योंकि जो हजूर साहेब नांदेड़ और मनवाड़ तक लाइन है हमारी, ये नॉन इलेक्ट्रिफाइड लाइन है, इसलिए इसको डीजल लोकोमोटिव पुल करने वाला। बाकी दो लोकोमोटिव लगे हैं, देखिए एक पीछे भी लगा है। सो आज की जो हमारी यात्रा होने वाली है वो सेकंड सीटिंग में होने वाली है, एंड आज का हमारा कोच है D1 सीट नंबर 60। चलिए अंदर चलते हैं भाई, इसके हटना भाई बढ़िया इधर आ जा 60 बाकी भाई भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है ट्रेन में, यहीं से पैक हो गई है भाई 61 भाजी थोड़ी सीट आएगी मेरी है तुझे ऊपर सवेरे सवेरे ला लिया है ना अपना भाने अपना बिस्तरा ला लिया। हाँ कौन सी टिकट है 60 हाँ हाँ आपका है मतलब अरे आपका है बोल रहा है। हाँ मेरा है सर, आप सर पहले ही सुबह सुबह चलाने लग गए है ना काटने ऊपर से ऑन लाइन कितने जाना अमृतसर अंबाले मैं इधर आना लुधियाने। टाइम हो रहा है 9:30 और अपने ऑन द टाइम अपनी ट्रेन रेडी हो चुकी है डिपार्ट करने को। देखिए पार्शली डिपार्चर धीरे धीरे अपनी ट्रेन का, क्या कहानी है वो लड़कियां भी इतनी चलाक और होशियार चलती ट्रेन से जाने को। देखिए भाई हजूर साहेब नांदेड़, बाकी जर्नी काफ़ी लंबी होने वाली है 35 घंटे और 5 मिनट की, इसलिए हम इस मतलब ब्लॉग को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पार्ट वन में हम मतलब आज रात तक शूट करेंगे, पार्ट टू में हम पूरा कल शूट करेंगे। बाकी देखिए हजूर साहेब नांदेड़, ये अपने को पैसेंजर पाजी की नाम है थोड़ा हाँ सुखविंदर, हाँ इन्होंने जाना है अंबाले है ना जी, कर आए दर्शन बाबे दे लंगर साहब गए सी, मैं भी वो आया गा परसों है। हाँ आजा थोड़ा दे दे दांत के अंदर पंजाब
मेहरबानी आ गई वाह। हुआ पापा फोन ठीक? पापा हुआ फोन ठीक? नहीं नहीं फोन लग क्या हो गया? क्या लग तब गए थे इसको रीसेट करो रीसेट है ना। सो दोस्तों नांदेड़ से लगभग 30 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने कवर कर लिया है और हमारी ट्रेन सचखंड एक्सप्रेस आ चुकी है अपने पहले स्टॉपेज पे जो अपना पूर्णा जंक्शन स्टेशन कोड PAU और 2 मिनट का स्टॉपेज है हमारी ट्रेन का। 10 बजे टाइम था लेकिन 10 बजे ही आई है, बहुत ही पंचुअल है अपनी ट्रेन, एक सेकंड भी लेट नहीं हुई है। बाकी देखिए ऐसा कुछ पूर्णा जंक्शन एंड दोस्तों जो अपना पूर्णा है ये पूर्णा एक नदी का नाम है जो कि अभी आगे आने वाली है वो मैं आपको दिखाता हूँ। पूर्णा रिवर तो उसके किनारे पर बसा हुआ सिटी है। बाकी काफ़ी लोकल पैसेंजर यहाँ से डिवर्ट हुए हैं ट्रेन से पूर्णा जंक्शन से और पूर्णा अपना जंक्शन भी है, जंक्शन इसलिए क्योंकि एक लाइन यहाँ से ब्रांच लाइन जाती है अकोला वाली। देना बड़ा देना दो दे दो दूसरों से क्या मतलब, अपनी पेट है भाई जितनी भूख है उतना खाओ ना। तो ये लिया हमने पूर्णा का वड़ा, मतलब बड़ा है ये पता नहीं किस चीज का लेकिन बढ़िया जैसा भी है। फ्रूटी कितने की है भाई? 20 रुपए की। 5 रुपए एक्स्ट्रा क्यों लगाते हो आप? 15 में हम ही लेके आते हैं। बट रेलवे ये थोड़ा ना कहती कि आप 20 का भी आप अपनी मर्जी से 5 रुपए एक्स्ट्रा लगे। रेलवे का नहीं है भाई ये, रेलवे का नहीं है, नहीं है बाहर का है, बाहर का स्टॉल इधर लगा रहे हो। बट यार 20 का नहीं बेचा करो यार। हाँ को चुका है भाई अपनी ट्रेन का 10:08 पे 2 पे टाइम था लेकिन भाई लेट है थोड़ी। चलो भाई बाल बड़े खतरनाक लगे यार आपके मुझे। बट एक आधे को मार के जाऊंगा मैं, ऐसे नहीं मरने वाला भाई। वो देखो मोबाइल खेलने वाले स्टाफ है अच्छे, ये जो फोन खेलने वाला उनकी नजरें ऊपर होती हैं आसमान चेहरा दिख जाता है। ये भाई अपनी पूर्णा रिवर, वो देखो गधे पे बैठा हुआ है, वो देखो पानी पार कर रहा है उस बेचारे पे बैठ के, वो देखो गधे की सवारी करते ओ, और रेत बह जाएगा सारा। हाँ डीजल इंजन है ना, वड़ा समोसा अंब भाई उतर। टाइम हो रहा है 10:40 और नांदेड़ से 58 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हमारी ट्रेन आ चुकी है अपने दूसरे स्टॉपेज पे जो अपना परवनी एंड इसका स्टेशन कोड है PBN। बाकी यहाँ पे हमारी ट्रेन का 5 मिनट का स्टॉपेज है लेकिन भाई 35 पे आना था, 40 पे आई है अपनी सचखंड एक्सप्रेस एंड
बाकी जंक्शन इसलिए है क्योंकि एक लाइन यहाँ से अपनी जाती है परली बैजनाथ वाली, इसलिए इसको परवनी जंक्शन कहते हैं। और तीन प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पे, और ये जो स्टेशन है अपना, ये अपना हजूर साहिब नांदेड़ के साउथ सेंट्रल जोन में पड़ता है, स्टेट अपनी महाराष्ट्र। कब्जा कर लेंगे भाजी। हाँ, बाकी यहाँ से सेब लोड हो रहे हैं ट्रेन में, दूर से मैंने सेब की पेटी देख रही है, बट यहाँ से उल्टी सेब है लीची है, क्या है ये डब्बे सेब और लीची के दिख रहे हैं, तो पता नहीं क्या है भाई। उधर तो जा नहीं सकते हम क्योंकि ट्रेन कभी भी चल सकती है। क्यों भाई, उधर जाना खतरे से खाली नहीं है, ट्रेन कभी भी चल सकती है। कहाँ जाना है आपको? मुंबई पे राज करता रे लाला, मुंबई का डॉन है ना। काम करने जा रहे हैं यहाँ से पढ़ने? घरे आपने स्विच ऑफ करो, इसको स्विच ऑफ करो। भी बाबा को लूटोगे ना तो खाली हाथ नहीं जाओगे। बाबा हमें लूटते हैं, हम बाबा को लूट बाबा अपना माया जाल बिछाएंगे पूरी ट्रेन, बस हम बस है ना राख करना बाबा ये है तांत्रिक करना, फिर फोन ठीक करूंगा, पहले करो तांत्रिक। नहीं हम वो नहीं है। क्या है आप, कौन से भगवान को मानते हो आप? सैलानी बाबा। सैलानी बाबा। सैलानी बाबा, पीर और फकीर में क्या फर्क है? कुछ नहीं। पक्का। 786 कब आया था इस दुनिया में? वो मालूम है आके इधर लिखा है आप फिर डोंगी बाबा हो अगर आपको पता नहीं 786 मेरे को नहीं पता क्या मतलब है 786 का। मेरे मालूम कुरान किसने लिखी वो मालूम नहीं। हाँ अलग हिंदू है ना पक्का। ज्योतिर्लिंग कितने हैं? और वो 360 घाट है वो नहीं, ज्योतिर्लिंग कितने हैं, कौन से भगवान के हैं ज्योतिर्लिंग? इंडिया कर रहे फिर जो आपने पहले दो बटर कर दिया था इसको, कुछ पंगा किया था ना आपने, फिर से मत करना वरना मेरी तो दुकान है, मैंने तो कर दिया और वो पैसे लेगा कोई आपसे, ठीक है? एग्री। अब आप कर तो 100 रुपए लगता फिर। हाँ 100 रुपए लेते। तो दोस्तों नांदेड़ से 173 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है अपने फोर्थ स्टॉपेज पे, जो है अपना जालना। जी हाँ दोस्तों, ये जो जालना है ये इंडिपेंडेंस से मतलब आज़ादी से पहले हैदराबाद का एक पार्ट हुआ करता था, आज़ादी के बाद इसको औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में डाला, फिर उसके बाद 1981 में इसको अलग डिस्ट्रिक्ट बना दिया। तो फिलहाल अभी जो जालना है ये मध्य प्रदेश की एक डिस्ट्रिक्ट है, बाकी स्टेशन कोड है इसका ओनली 1 लेटर जे, 5 मिनट का स्टॉपेज था लेकिन 18 मिनट लेट आई है माई ट्रेन जालना रेलवे स्टेशन पे। एंड देखिए यहाँ पे हिमाचल एप्पल, यहाँ पे भी एप्पल है क्या है ये पता नहीं, बीच में क्या है, डब्बे तो हिमाचल के लग रहे हैं, क्या है बीच में? सीताफल है, सीताफल। सो भाई यहाँ पे एप्पल की प्रोडक्शन कहाँ पे आ गई, सो सीताफल लोड हो रहे थे अपनी लगेज वैन में। तो देखिए होम कर दिया अपनी ट्रेन ने जालना से, क्यों यार सिर्फ कोचड़ी है
पेपर को चाहिए वो बोले सिर्फ सुनिए पैसे दिला मैं लगेज रखने के लिए होता है भैया लगेज का रखने का ही कितो आए दूसरी कितो आए हां सोने का कोई नहीं है सोने का कहीं नहीं है गए ये लगेज रखने के लिए होता है आकी आकी बुक दे सीट मिलते सीट यहां पर बता पूरी बदमाशी पाई थी ये सोने का कॉस्ट नहीं आई है जाना कि तू जाना कि थे मैं कौन सी बदमाशी है पैसा दिया यार पांच औरत आ जाती है कौन सी बदमाशी सामान रखना होता है ना वहां पे सामान रखने रखने के लिए हम सोने के लिए लिया तो अच्छा अच्छा सोने की तो जगह थोड़ी जाना कि थे कहां जाना आपने लुधियाने तो भाई पंजाबी यार जाना बैठन दो यार रखन दो सामान बाहर रात ही सो जाए हो चिक्की लेनी है चिक्की कितने दो तीन चालीस पचास तो मैं इतना क्या करूँगा खाके क्या है राजनिवास बिमल बिमल तीस का एक तीस का एक इतनी महंगाई क्यों इधर महंगाई है पीछे से महंगा पड़ता है ना आपको धंधे में हम बरबर कर सकेंगे तो बड़ा है ना भैया छोटा नहीं तो दो पाँच तो हमको लगो भैया दोस्तों नांदेड़ से 235 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हमारी सचखंड एक्सप्रेस पहुंच चुकी है दिस सिटी ऑफ 52 बावन गेट्स जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ औरंगाबाद की जो कि हमारी ट्रेन का फिफ्थ स्टॉपेज है बाकी इसको सिटी ऑफ गेट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके 52 दरवाजे हैं और उनकी खास बात ये है कि हर दरवाज़ा एक एक सिटी को जाता है तो बाकी जो अपना औरंगाबाद है ये एक मतलब टूरिस्ट प्लेस है महाराष्ट्र की बहुत ज़्यादा मतलब मात्रा में यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं जो अपनी अजंता की गुफाएं हैं वो सब औरंगाबाद में है देखने के लिए तो सारी UNESCO यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं और हाँ यहाँ पे एक बीवी का मकबरा है जो कि सेम कॉपी है ताजमहल की और अगर टेम्पल की बात करें ना तो यहाँ पे भगवान शिव जी का साक्षात ग्रीनेश्वर ज्योतिर्लिंगा यहीं पर है सो अब बात कर लेते हैं भाई रेलवे स्टेशन की तो स्टेशन कोड है AWB 5 मिनट का हॉल्टिंग टाइम था लेकिन 10 मिनट यहाँ पे भी लेट आई अपनी सचखंड एक्सप्रेस और काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट स्टेशन है ये हजूर साहिब नांदेड़ मुंबई या हजूर साहिब नांदेड़ मतलब ऊपर दिल्ली वाली लाइन के लिए इम्पोर्टेंट स्टेशन है क्योंकि यहाँ पे पर डे 96 ट्रेन आके हॉल्ट करती हैं 6 ट्रेन यहाँ से चलती हैं एंड 6 ट्रेन यहाँ पे टर्मिनेट होती हैं और बाकी वही अपनी हजूर साहिब नांदेड़ डिवीज़न में पड़ता है अपना औरंगाबाद जोन आपको पता ही है साउथ सेंट्रल में अभी हम चल रहे हैं तो देखते हैं अब डिपार्चर औरंगाबाद से तो होंग हो चुका है हमारी ट्रेन का औरंगाबाद से देखते हैं डिपार्चर देखिए भाई डिपार्चर अपनी ट्रेन का औरंगाबाद से अभी मिलते हैं आपको सीधा 4 बजे अपनी ट्रेन के 6 स्टॉपेज पे जो अपना मनमाड़ क्योंकि 4 बजे 3:55 पे टाइम है 50 पे टाइम है 4 ही लगा लो भाई लेट डिपार्ट किया इसने यहाँ से भी औरंगाबाद से औरंगाबाद जाना है आपको कहाँ जाना है हाँ और आगे जाएंगे हम अमृतसर जाएंगे हम अमृतसर क्या बोल रही है खाना खाने का बोल रही है खाना खाने का बोल रही है कितने का 10 रुपए का 10 रुपए का एक दो दे दो बताओ क्या तेरे को
अरे जा किसको बताना तो बता। अबे तू इधर आ रहा है भाई, भाई रहने दे, भाई रहने दे। अरे पहले से क्या बोल रहे हैं चुप भाई भाई छेड़ दे यार रहने दे। ₹100 दोस्तों टाइम हो रहा है 3:40 और 347 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है मनमाड़ जंक्शन पे। जी हाँ, इसका स्टेशन कोड है MMR और यहाँ से हमारी ट्रेन अब डाइवर्ट होने वाली है एंड जो इसके साथ पीछे डीजल लोकोमोटिव लगा है वो खुलने वाला है और इसके साथ लगेगा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। देखते हैं कौन सा लगता है। बाकी देखिए ये चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लगेगा। बाकी दोस्तों इधर से इन्होंने खोल दिया एंड अब लगेगा इसके साथ VAP 7। आई एम डैम श्योर। और अब आगे कौन जाए भाई, किलोमीटर लंबी से भी ज़्यादा ट्रेन है भाई, इतना भाई 5 मिनट का स्टॉप है, समझा करो यार। वापिस नहीं आ पाऊंगा अगर मैं चला जाऊंगा। दोस्तों ये हैं रगड़ा समोसे, कसम से बस सिर्फ टेस्ट करनी है। बात नहीं यार भाई, क्या कर दोगे अगर खाया हमारे लिए उतना ही। हाँ बस बस, ये रगड़ा समोसे तो मैंने बुक मतलब मैंने सोचा ट्राई कर लेते हैं भैया। अपने समोसे ले वाला बोल, ये समोसे, समोसा इतना टेस्टी नहीं जितना टेस्टी चटनी है भाई, हरी मिर्च की चटनी है। ले वाला बोल, इधर इधर ले वाला। 4:09 और अपनी ट्रेन डिपार्ट कर चुकी है मनमाड़ जंक्शन से, जो इसका नेक्स्ट स्टॉपेज आएगा वो 40 गांव आएगा। देखिए मनमाड़ से दीवार से हो रहा है 5:07 और 415 415 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम पहुंच चुके हैं अपनी ट्रेन के 7th स्टॉप पे, जो अपना 40 गांव जंक्शन। और भाई मैं नीचे ही उतरा एंड हमारी ट्रेन ने हॉर्न दे दिया 40 गांव जंक्शन पे। तो इसका स्टेशन कोड है CNS और 2 मिनट का स्टॉपेज था, लेकिन 10-20 मिनट लेट आई अपनी ट्रेन 40 गांव जंक्शन पे।
दोस्तों CSN इसका स्टेशन कोड था, चार प्लेटफॉर्म का ये स्टेशन था। अपना जंक्शन भी है, जंक्शन क्यों है क्योंकि एक लाइन यहाँ से अपनी दूल्हे को जाती है। देखिए भाई 40 ग्राम से एक बार फिर वो पीछे जा रही है अपनी ऑयल टैंक वाली ट्रेन। देखिए 40 गांव, और मैं आपको बताना भूल गया अभी हम आ चुके हैं भुसावल डिवीजन में। दोस्तों पवन एक्सप्रेस जयनगर से मुंबई के बीच में चलने वाली। सो दोस्तों नांदेड़ से 507 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हम आ चुके हैं महाराष्ट्र की सोने की नगरी। जी हाँ, गोल्ड सिटी ऑफ महाराष्ट्र जलगांव में, और बनाना सिटी ऑफ इंडिया, इंडिया की बनाना की सिटी, ये दोनों कह सकते हो आप। क्योंकि गोल्ड सिटी ये इसलिए है क्योंकि यहाँ से प्योर गोल्ड से सोना निकलता है, वो एक प्योर निकलता है, एंड यहाँ पे बनाना की प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होती है। और दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेशन है अपना जलगांव, हावड़ा सूरत लाइन कह लो या दिल्ली मुंबई लाइन कह लो, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट स्टेशन है। 5 प्लेटफॉर्म का ये जंक्शन अपना जलगांव। ट्रेन सीरियसली रुक नहीं रही है, मतलब अच्छे से लेट ही चल रही है। देखिए डिपार्चर अपना जलगांव से, एक डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र। कितने रुपए डजन मिला केला भैया? कितने रुपए दर्जन मिला? 20 रुपए के 10। 20 रुपए के 10 केले? 20 रुपए के 10। पता नहीं यार क्या चक्कर है, इस लाइन पे एक ही ट्रेन आती है, हर स्टेशन पे यही हाल है। इतने सारे यात्री उतर जाते हैं और इतने सारे यात्री चढ़ने वाले होते हैं। तो फिलहाल खैर छोड़ो, कृपया लक्ष्य दिया मतलब ध्यान दीजिए, हमारी ट्रेन 531 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हमारी ट्रेन आ चुकी है अपने 10th स्टॉपेज पे, जो अपना भुसावल, यहाँ ये महाराष्ट्र में पड़ता है और ये महाराष्ट्र का लास्ट स्टॉपेज होने वाला है हमारी ट्रेन का। इसके बाद खांडवा आएगा जो कि मध्य प्रदेश में हम एंटर करने वाले हैं। भुसावल का स्टेशन कोड है BSL और 9 प्लेटफॉर्म का ये स्टेशन है, जंक्शन है। जंक्शन क्यों है? क्योंकि एक लाइन यहाँ से अपनी सूरत को जाती है, एक अकोला को जाती है, बाकी सेंट्रल मध्य में आ चुके हैं हम, सेंट्रल जोन में, और डिवीज़न अपनी भुसावल ही है जो ये स्टेशन है। वेज पुलाव कितने की प्लेट है? 30 रुपए दे दो। बाकी दोस्तों ये लिए हमने पुलाव, देखिए बहुत बढ़िया है ये, देखिए। एंड आपको पता है भाई अंदर बैठ के खा नहीं सकते, अगर जर्नल में यात्रा करनी हो तो अंदर पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलती है, जो सीट पे बैठे रहते हैं वो सीट नहीं देते हैं। अगर मैं अंदर जाऊँगा ना, बंदा सीट पे बैठ जाओ वो सीट नहीं देगा। तो फिलहाल बातें छोड़ो, हम खाते हैं, हम पुलाव टेस्ट करते हैं। बहुत बढ़िया पुलाव है, आप ये देखिए न्यूट्री भी डाली है इसमें, सोयाबीन मतलब, तो जल्दी से खा लेते हैं उसके बाद। यार ट्रेन डिपार्ट कर चुकी है भुसावल से, देख लो कौन सा स्टेशन है ये, कौन सा स्टेशन, कौन सा? ब्रांडपुरा है। हाँ ब्रांडपुरा, ब्रांडपुरा है भाई स्टेशन। और यहाँ देखो चैं 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 क्या हो रहा है, मेला लगा हुआ है।
देखो ब्राउन पूरा काम केले फ्रूट ओ बस करो भाई जर्नल बोगी तो दोस्तों 622 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारी ट्रेन ने कवर कर लिया है नांदेड़ से और हम पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश में। वेलकम यू इन मध्य प्रदेश, जो कि माई ट्रेन का 12th स्टॉपेज है खंडवा। अपना खंडवा जंक्शन भी है, जंक्शन ये इसलिए है क्योंकि एक लाइन यहाँ से अपनी डॉक्टर अंबेडकर नगर को जाती है और एक जाती है अपनी इटारसी वाली। NW इसका स्टेशन कोड है और 5 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेशन है अपना खंडवा। और यहाँ पे 5 मिनट का स्टॉपेज अपनी सचखंड एक्सप्रेस का। बाकी ममलेश्वर ज्योतिर्लिंगा भी यहीं पे मिल जाएगा। बाकी दोस्तों डिपार्चर टाइम हो चुका है अपनी ट्रेन का खंडवा से और देखते हैं डिपार्चर अब आपको सुबह ही मिलेंगे क्योंकि 11 बजे हमारा इटारसी आएगा। तो सोने का जुगाड़ करते हैं भाई, कैसे भी करके सो जाएंगे। सुबह जल्दी उठ के दूसरे पार्ट के साथ मिलेंगे, इस पार्ट को यहीं पर एंड करते हैं क्योंकि ये पार्ट काफ़ी लंबा हो चुका है। सो मिलेंगे आपको सीधा सुबह या रात को अगर हम शूट करेंगे, लेकिन वो पार्ट सेकंड में आएगा। पार्ट सेकंड को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें ताकि जब भी पार्ट 2 आए आपको सबसे पहले खबर हो जाए। तो लाइक भी कर दो वीडियो को, इतना कंजूस मत बनो। बाकी बाय बाय, गुड नाइट।